Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello, good morning. Hello friends, welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के number one study channel Wi-Fi Study पे. तो guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि daily दिन में daily सुबह 8 बजे Monday to Saturday अपना एक important session होता है half an hour का, जिसके अंदर हम current affairs द हिंदू से cover करते हैं. Apart from द हिंदू, जितने भी important newspaper है उन सभी को discuss करते हैं. कौन-कौन सी ऐसी news है जो कि आपके देश के सभी exam के लिए और साथ में आपके knowledge के लिए important है, उन सभी को discuss करते हैं. Hopefully दोस्तों कि आप इसे regular देखते होंगे, share करते होंगे. जितने भी बच्चे हैं, कोई स्कूल में है या फिर कॉलेज में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जो ये सेशन है वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा और हमेशा की तरह वही करने वाले हैं. यू नो द ड्रिल. सबसे पहले हम जानने वाले हैं अनअकैडमी के बारे में, फिर देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके बाद में देखेंगे आज का इंपॉर्टेंट सेशन. तो हमेशा की तरह काफी कुछ नया है जो कि आज भी आप जानने वाले हो. साथ में सुबह 6 बजे भी मैंने आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया लखनऊ डिक्लेरेशन का. व्हाट इज लखनऊ डिक्लेरेशन, तो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है. पेपर में सवाल जो है आपको जरूर देखने को मिलेगा. ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं. हमेशा की तरह देखते हैं सबसे पहले ये टेलीग्राम, कुछ पीडीएफ वीडीएफ जितने भी मेरे वीडियोस है करंट अफेयर के, सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा. साथ में दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कोई यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है कोई, या फिर कोई यूजीसी का है, पीसीएस का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो आप रेफरल कोड BHUNESH BHUNESH10 यूज कर सकते हो. 10% ऑफ भी मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी. मेरे बैच की बात करें दोस्तों तो 10 तारीख से ही स्टार्ट होने वाला है, 10 फरवरी से करंट अफेयर का, जो कि आप लोगों के लिए CHGL और CHSL के लिए है. ज्वाइन नहीं किया कर लेना, सुबह 9 बजे क्लास होगी और पहली क्लास से ज्वाइन कर लेना ताकि आपका कुछ भी छूटे ना. ठीक है, बाकी इसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी है, हिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़ लेना. मेरे अलावा आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी. उसी प्रकार से एसबीआई पीओ क्लर्क के अंदर भी क्लासेस चल रही है टीम एवीपी की, साथ में मेरा भी स्टार्ट होने वाला करंट अफेयर, तो ज्वाइन कर सकते हो. और रेलवे में जीके चल ही रही है, बूस्टर भी लॉन्च होने वाला है, BHUNESH10 यूज कर लेना. ठीक है ना गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं. और ये 30 सुपर टेस्ट है जो कि आपकी CGL एग्जाम के लिए, और ये भी स्टार्ट हो गए 1 फरवरी से, जो ज्वाइन कर सकते हो. चलिए पहला सवाल देखते हैं जो कि मैंने आपको दिया था. यहाँ पे WHO ने नोवल कोरोना वायरस से लड़ने की योजना के लिए दान में 675 मिलियन अमेरिकन डॉलर का आह्वान किया है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में कौन है WHO के प्रमुख है. तो आपको मालूम है टेड्रोस है जो कि क्या है अभी WHO के प्रमुख है. नेक्स्ट है जो कि था राजस्थान में ऐतिहासिक दीवार वाला शहर कब स्थापित किया गया था, 1727 के अंदर जो है इसको स्थापित किया गया था, 1727 AD के अंदर इसको स्थापित किया गया था. फ्लिपकार्ट ने हाल ही में घोषणा करी कि वो अपने सहायक कंपनी कौन सी थी, जबोंग और मैंत्रा दोनों ही है, लेकिन मैंत्रा तो काफी अच्छा काम कर रहा है, जबोंग नहीं कर पा रहा है, तो जबोंग को शट डाउन करने के लिए उन्होंने ऑपरेशंस को बोल दिया है. फोन पे भी वैसे फ्लिपकार्ट का ही है, ई कार्ड भी फ्लिपकार्ट का ही है वैसे तो, ठीक है ना. और फ्लिपकार्ट किसका है, वॉलमार्ट का. हाल ही में सांबो लापुंग ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया हुआ है, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं. तो यहाँ पे सागबो की बात करें तो ये वेट लिफ्टिंग के प्लेयर है और अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं. एज पर वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन डेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील. तो लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर की बात करें तो नंबर वन के ऊपर चाइना है, सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर के ऊपर इंडिया है. ठीक है, हाल ही में एमपी सरकार के किशोर कुमार सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है, तो यहाँ पे वहीदा रहमान जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. यूनेस्को का महानिदेशक कौन है, डीजी ऑफ यूनेस्को, तो ऑन्ड्रे आपका यहाँ पे बिल्कुल, ऑन्ड्रे आपका बिल्कुल सही आंसर होगा. एनटीपीसी ने हाल ही में सबसे बड़ी एकल विदेशी मुद्रा ऋण की कीमत का सी मूल्यांकन किया, तो कितनी मूल्यांकन किया दोस्तों, यहाँ पे 750 मिलियन डॉलर, 750 मिलियन डॉलर जो है यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, ओके, लोन के लिए यहाँ पे बोला है.
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में प्राकृतिक गैस के नए भंडार पाए गए, तो ये क्या होगा, यूएई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जो कि है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत परिवार की पहली जीवित संतान के लिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को कितना पैसा दिया जाता है, तो 5,000 रुपए दोस्तों जो कि दिया जाता है, ठीक है, किसको, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट है जो कि आज का कोड ऑफ द डे है जो कि है गौरव सिंह ने भेजा है, भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना, जब अपने सपने हैं तो कोशिशें भी हमारी ही होनी चाहिए। दोस्तों काफी अच्छी बात बोलिए कि जो आप स्ट्रगल कर रहे हो या कोई भी डिसीजन लाइफ में ले रहे हो, आप ही हो जो कि उसके कंसिक्वेंसेस और उसके कोई भी अच्छे रिजल्ट दोनों जो है दोस्तों आप ही के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो कभी भी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को दोष देते हैं कि आपने ऐसा करा था इसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर आपने ऐसा बोला था उसकी वजह से ऐसा हुआ। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपके अपने जीवन है, आपके अपने डिसीजंस है, और उस डिसीजन की अच्छाई या फिर बुराई दोनों आप ही को देखनी पड़ती है। कंसिक्वेंस अगर आप कोई अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट के लिए तैयार रहते हो तो जो उसके कंसिक्वेंसेस होता है, जो रिपरकशन होते हैं, उनके लिए भी तैयार रहना जरूरी है। कभी भी भाग्य को या फिर दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं होता है, हमेशा तैयार रहिए विद द वाइड आर्म्स ओपन कि लाइफ में क्या आने वाला है। हो सकता है लाइफ में बहुत अच्छा वक्त आए तो भी आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, और अगर लाइफ में बहुत बुरा वक्त आता है तो भी उसके लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है, तभी जो है दोस्तों आप आगे जाके अपने आप को स्ट्रांग कर पाओगे और नई चीजों को जो है वो एक्सप्लोर करके आगे बढ़ पाओगे। सिंपल सी बात है, लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि अच्छा वक्त ही आएगा, कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि बुरा ही वक्त आएगा, हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहा करो। और ये भाग्य को या किसी और को दोष देने से कुछ नहीं होता है, आपके अपने डिसीजंस होते हैं, अपने फैसले होते हैं, आपकी अपनी लाइफ है, डिसीजन लो, जो भी होगा अच्छा बुरा देखा जाएगा, मस्त होके बस अपनी प्रिपरेशन करो, जो भी आप काम पसंद करते हो वो करो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए होपफुली दोस्तों कि आप इसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आज का अपना द हिंदू, ये वो वापस से कुछ और डिप्लोमेट्स हैं जिनको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है वो भेजा जा रहा है। और आपको मालूम है कि जनवरी के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, कई सारे डिप्लोमेट्स यूरोप से बुलाए थे और उनको कश्मीर के अंदर विजिट कराई थी, और नॉर्मेलसी को लेकर बोला गया था कि कितनी नॉर्मेलसी जो है वो कश्मीर के अंदर है। साथ में अभी वापस से बुलाया जा रहा है, ठीक है, इस बार जो है वो यूरोपियन यूनियन के ही मेंबर है ये सारे, पिछली बार तो इंडिविजुअली बुलाया गया था, इस बार जो है पूरा यूरोपियन यूनियन को बुलाया और उसमें से कई लोगों को जो है वो होस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें जो निर्भया कांड को लेकर है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये वाली हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ठीक है, ये वाली आपके कोई पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने बता दिया। ये बोडोलैंड वाली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, बोडो पीस अकॉर्ड को लेकर हम बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आज आपको मालूम है 8 तारीख है ना, तो दिल्ली के अंदर क्या है, इलेक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे एक PSO जिसने जजेस के वाइफ को और बच्चों को मार दिया था उसको 10 सेंटेंस की सजा दी गई है। यहाँ पे बात करी गई है दो की है, महबूबा और आपको मालूम है ना उमर अब्दुल्ला, इन सबको अभी क्या कर दिया है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है 6 महीने के लिए और जो है हाउस अरेस्ट जो है उनको दे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में कोई रॉन्ग वेबसाइट जो है सटायरिकल को वेबसाइट होती है ना, वहाँ से कॉन्टेंट लेके जो है वो इस पार्लियामेंट में बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक बैंक को लेकर बात करी गई है कि SBI जो है वो अपना क्या कर रहा है, जो रेट होता है ना उसको थोड़ा सा कम कर रहा है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो कुल मिला के दोस्तों हमारे अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो फर्स्ट पेज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बोडो डील है, ओके। जैसा कि आपको मालूम है काफी टाइम हो गया दोस्तों, जब CAA के लिए बोला गया था उसके बाद में पहली बार जो है मोदी जी अभी कहाँ पे गए, असम के गए, और उन्होंने काफ़ी तारीफ करी है जिस तरीके से यहाँ पे बोडो पीपल ने हथियार जो है वो सरेंडर करें, और ये मोदी जी ने बोला है कि जिस तरीके से यहाँ पे लोगों ने पीस को जो है अपनाया है उसी तरीके से कश्मीर में या फिर जो अपने सेंट्रल इंडिया में जो मॉइस्ट बेल्ट है छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में, वहाँ पर भी ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तो बोला गया है कि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन दी गई है कि राइट पाथ के ऊपर ये लोग जा रहे हैं। आपको मालूम है दोस्तों कि 1960 के बाद से ही यहाँ पे काफी जो है ना वो काफ़ी सारे ग्रुप थे जिन्होंने हथियार उठा लिए थे बोडो पीपल के लिए एक सेपरेट लैंड को लेकर, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग जो है वो कन्वर्ट हो गए थे, हथियार उठा के गलत डायरेक्शन में चले गए थे। तो नियर बाय 50 साल से इसके ऊपर डील चल रही है, अभी फाइनलाइज हुई है और सरकार ने सारी उनकी जो शर्तें हैं ना वो मान ली है। कौन कौन सी शर्तें हैं अभी बता दूंगा आपको, तो वो मान ली है, और नियर बाय 1,500 लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, अपने हथियार है जो कि सरेंडर कर दिए, समझ गए। तो यहाँ पे मोदी जी ने काफ़ी तारीफ करी और ऑब्वियस है बहुत अच्छी बात है, अगर
पुलिस कहीं पर भी हो रहा है तो सरकार को बात करनी चाहिए। जहां पर भी वायलेंस हो रहा है या प्रोटेस्ट हो रहा है या कहीं पर भी लोग हथियार उठा रहे हैं, तो आगे जाके सरकार के ये फर्ज बनता है कि उनको उनकी मांगों को जो है वो डिस्कस किया जाए, जो भी रेलिवेंट मांग है उसको पूरी की जाए और वहां पर शांति जो है वो लेके आया जाए। तो थर्ड बोडो पीस अकॉर्ड है जो कि सेंटर आसाम गवर्नमेंट और बोडो पीपल के बीच में हो रहा है, बोडो ग्रुप्स के बीच में हो रहा है, और होपफुली पिछले वाले जो दो थे उनके अंदर पीस नहीं बन पाया, लेकिन होपफुली इसके अंदर जो है वो पीस जरूर हो जाएगा। मांग क्या थी दोस्तों कि जो बोडो लोग है ना उनके लिए अलग से एक बोडो लैंड हो। ओके, ये देख सकते हो आप चार जो डिस्ट्रिक्ट है उनको लेकर जो है क्या बना रखा है, BTAD, बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है सारे। इसका जो नाम दिया गया है वो BTA अकॉर्ड भी नाम दिया गया है, समझ गए, BTAD अकॉर्ड भी जो है इसको नाम दिया गया है। तो पेपर में पूछेंगे तो ध्यान रखिएगा, समझ गए। यहां पे मैंने लगाई नहीं यहां पे उसकी फोटो, कई सारे बिल्कुल ये देख लेते हैं एक बार कौन कौन से अकॉर्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कि इंक्लूड शामिल करी गई है। एक तो नंबर ऑफ सीट जो है ना वो क्या कर दी जाएगी दोस्तों इलेक्शन के अंदर बढ़ा दी जाएगी, 40 से 60 की जाएगी। ये पहली डिमांड थी जो कि मान ली गई है, सारी डिमांड मान ली है वैसे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए बोला गया था दोस्तों, इसके अलावा स्पेशल इंडस्ट्री पॉलिसी के लिए, रेलवे कोच फैक्ट्री के लिए, साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, और DCSP जो है वो अपॉइंटमेंट होगा, जो DSP या DCSP जो भी होगा उसका अपॉइंटमेंट इसके अथॉरिटी के साथ में होगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया था, वेलफेयर काउंसिल के लिए बोला गया, कैंसर हॉस्पिटल साथ में, और ट्राइबल जो ट्राइब स्टेटस होता है हिल ट्राइब स्टेटस वो बोडोस के जो लोग हैं हिल एरिया में रहते हैं उनको मिलेगा। एक वेटनरी कॉलेज को लेकर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर, तो ये सब यहाँ पे स्पेशल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर ये सब यहाँ पे सेटअप करने के लिए जो है यहाँ पे बोला गया था। सरकार ने सारे मांग मान ली है और अभी यहाँ पे पीस जो है देखने को मिल रहा है। बफरिंग हो रहा है क्या गाइज? अरे भाई सब कुछ सही है ना? एक बच्चे जो है वो कमेंट कर रहा है, अरे यार एक बार रिफ्रेश कर लिया करो आप लोग भी अगर कोई बफरिंग हो तो। साथ में गाइस वीडियो को शेयर कर देना, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। बोडो क्या है? अरे भाई बोडो एक ट्राइब है, बोडो पीपल बोलते हैं जो कि आसाम के अंदर रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट है जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर है, और पेज नंबर 6 की बात करूं दोस्तों तो यहां पे एक आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम है जो कि सेटअप किया गया है, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक ओपन एयर के अंदर आर्ट फ्रॉम वेस्ट यानी कि आर्ट बनाया गया है, कहां से, जो भी वेस्ट मटीरियल होता है वहां से। तो ये म्यूजियम है जो कि डेवलप किया गया है, ठीक है। उड़ीसा के जो स्टूडेंट है उन्होंने इसको बनाया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की मदद से जो है इसको पब्लिक को डेडिकेट है, जो कि क्या है, कहां पे, गंजम के अंदर, समझ गए। तो आपसे पूछेंगे कि रिसेंटली आर्ट फ्रॉम वेस्ट म्यूजियम कहां पे ओपन किया गया है, तो ये जो भी आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये सारा का सारा वेस्ट है, मतलब वेस्ट से मटेरियल से जो है वो आर्ट म्यूजियम बना है, तो काफी अच्छी बात है। 20 बड़े बड़े जो है यहाँ पे मेटल वेस्ट से स्टूडेंट ने जो ऐसे बड़े बड़े इमेजेस है जो कि यहाँ पे बनाई है। ओके, 33 फुट हाइट जिराफ है, फिशिंग एक वो लॉर है, आयरन मैन बनाया हुआ है, गिटार बनाया हुआ है। ओके, एशिया की बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी इसको मेंशन किया गया है, तो काफी जबरदस्त आर्ट है जो कि यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि पेज नंबर 8 को लेकर। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो बिल्कुल ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली ये वाली न्यूज। इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो बात करी गई है वो किसको लेकर है, एक नए एयरपोर्ट को लेकर बात करी गई है। कर्नाटक के जो CM है दोस्तों येदियुरप्पा जी, उन्होंने क्या किया है, काफी लॉन्ग डिमांड थी बिदर को, लोगों को लेकर कि वहां पे भी एयरपोर्ट बनाया जाए, तो अभी एयरपोर्ट वहां पे स्टार्ट है जो कि कर दिया गया है। 72 सीटर एयरक्राफ्ट जो है बेंगलुरु से बिदर के लिए रवाना हुआ और चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछेंगे कि ये बिदर एयरपोर्ट कहां पर है तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कर्नाटका की बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों बेंगलुरु कैपिटल है, येदियुरप्पा जी अभी यहाँ पे कौन है, CM है, और 3 यहाँ पे डिप्टी CM भी है, और पहले मैसूर स्टेट हुआ करता था, फिर बाद में 1 नवंबर 1956 को जो है ये स्टेट कर्नाटका स्टेट है जो कि बना। साथ में वज्जूभाई वाला है जो कि अभी गवर्नर है, जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों गवर्नर कौन है, वज्जूभाई वाला, येदियुरप्पा जी जो है अभी यहाँ पे कौन है, CM है। इसके अलावा बात करें दोस्तों पॉपुलेशन कितनी है इसकी, पॉपुलेशन कोई 6 करोड़ के आसपास है, और सेक्स रेशियो कोई 973 है, 973 आउट ऑफ 1000।
ओके इसके अलावा यहाँ का मेंबल क्या है, इंडियन एलिफेंट, बर्ड यहाँ पे रोलर है, फ्लावर यहाँ पे लोटस है, और ट्री कौन सा है, सैंडलवुड है जो कि स्टेट का ट्री है, कन्नड़ यहाँ पे लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है। ठीक है गाइज, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके 12th हाईएस्ट रैंकिंग है अगर मैं HDI के अंदर कर्नाटका की बात करूं तो, इकोनॉमी के अंदर 4th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, ये देख सकते हो लोकेशन की बात करें तो ये देख सकते हो ये बिदर ऊपर की तरफ है बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, पेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहां पे आपको मालूम है कोरोना वायरस से काफी ज्यादा टूरिज्म को नुकसान हुआ है दुनिया में, यहां पे ये वाले न्यूज करेंगे दोस्तों डिस्कस जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहां पे किसके बारे में बताया गया है, यहां पे बताया गया है कि हमने अपनी जो आर्टिलरी गन है ना उसको अपग्रेड किया है। पहले क्या हुआ करता था कि 130 mm जो है आर्टिलरी गन होती थी, अभी हमने उसको बढ़ा के 155 mm में जो कि कर दिया गया है। जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उन्होंने फ्राइडे को क्या दिया है, हैंड ओवर करिए दोस्तों शारंग को, क्या नाम है, SHARANG, आपसे पूछेंगे पेपर में शारंग क्या है दोस्तों, तो शारंग क्या है, ये हमारी फर्स्ट 130 mm आर्टिलरी गन थी जो कि हमने डेवलप करके 155 mm की जो है बना के आर्मी को जो है वो दी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आपसे पूछेंगे सारंग को लेकर, नाम पेपर में कई बार आते हैं, सारे डिफेंस एग्जाम में तो आते ही हैं और बाकी जगह भी आते हैं, समझ गए। 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि 2018 के अंदर दिया गया था। अभी इसकी जो डिस्टेंस है ना, पहले क्या होता था कि 27 किलोमीटर तक ये फायर होती थी, अभी क्या हो जाएगा ये 36 किलोमीटर तक हम इसको क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, समझ गए, अपग्रेडेड वर्जन के अंदर। और जो उसको एक्सप्लोजिव कैपेसिटी है वो भी बढ़ गई है, डैमेज करने की जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ गया है। ओके तो इससे हमने इसको अपग्रेडेशन करने से काफी फायदा है जो कि यहां पे आर्मी को मिलेगा। अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर भी हमने यूएसए से लिए थे, आपको मालूम है ना M777 जो थे हॉविट्जर, वो हमने कहां से लिए थे, यूएसए से लिए थे, वो भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा वज्र के बारे में सुना होगा आपने, वज्र, ओके तो ये भी हमने कहां से लिए थे, वज्र भी हमने यूएसए से लिए थे। इस तरह आर्टिलरी गन्स है, समझ गए, आप देख सकते हैं इस तरीके की होती है, मतलब 35-37 किलोमीटर तक हम इसको भेज सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं जो कि यहां पे जो डिस्कशन किया गया है हमारे लिए बिल्कुल, यहां पे एक और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को डार्क वेब के बारे में पता है, तो यहां पे जो डिस्कशन किया गया है ना वो क्या बताया गया है कि हमारे इंडिया में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो डिटेल्स 4 लाख से भी ज्यादा अवेलेबल है सेल के लिए, कहां पे, डार्क वेब के ऊपर, ओके डार्क नेट जिसको हम कहते हैं। देखो गाइज होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं, काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, होपफुली कि आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे और ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसके पीछे रिसर्च करने को लेकर यूज करने लग गए हो। अगर आप यूज करो डायरेक्शन में जा रहे हो और हो सकता है कि आपको साइबर जो है क्राइम की कैटेगरी के अंदर भी इंक्लूड कर लिया जाए इसको, क्योंकि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, काफी सारे गलत तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं डार्क वेब के ऊपर या ओके काम करने वाले जो लोग करते हैं। एक्चुअली के अंदर देखिए होता क्या है कि जो एक होती है सबसे पहले सरफेस वेब क्या है, जो कि आप लोग अभी देखते हो, गूगल चलाते हो है ना, बिंग चलाते हो या फिर यूट्यूब चलाते हो, जो भी आप लोग अपन हम लोग जो नॉर्मली इंटरनेट चला रहे हैं ना, ये सरफेस वेब होता है, WWW वर्ल्ड वाइड वेब है जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। और बिंग का फुल फॉर्म पता है क्या, बिलीव इट्स नॉट गूगल, आपको मालूम है क्या, ये तो वैसे गूगल तो आपको मालूम है, गूगल के अपोज में माइक्रोसॉफ्ट भी अपना सर्च इंजन लेके आया था, उसका नाम था बिंग, उसका नाम था बिलीव इट्स नॉट गूगल। ठीक है तो हालांकि चला नहीं ज्यादा बिंग, गूगल जो दोस्तों आपको मालूम है दुनिया में सबसे लोग यही यूज करते हैं, जो भी आप विकिपीडिया यूज करते हो ये सब क्या है, सरफेस वेब है। उसके नीचे क्या होता है दोस्तों, डीप वेब होता है, आप देख रहे हो डीप वेब, ये जो डीप वेब है ना 90% जो कॉन्टेंट है दोस्तों वो इसी के ऊपर है। हम लोग जो गूगल चला रहे हैं उसके ऊपर मात्र 4-6% का कॉन्टेंट है। यहां पे क्या होता है दोस्तों, डीप वेब जो ये डीप वेब है, जितनी भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन होती है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन, जो सिक्योरिटी को लेकर इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को लेकर, गवर्नमेंट आगे क्या करने वाली है न्यूक्लियर को लेकर इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डीप वेब में होती है। उससे नीचे एक और होता है जो कि होता है डार्क वेब, ओके और ये डार्क वेब जो है ये हाईली एनक्रिप्टेड साइट्स होती है और इसको हैकर्स काम में लेते हैं बहुत सारे, दुनिया के जो गलत तरीके से जो काम कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डार्क वेब के अंदर इल्लीगल पॉर्न हो गया, इल्लीगल इंफॉर्मेशन हो गई, साथ में हथियार बेचना, ड्रग्स बेचना, ये सारे के सारे जो काम है वो डार्क वेब के ऊपर होते हैं।
ठीक है। इस तरीके से तीन कैटेगरी में डिवीजन होता है। 4% इंटरनेट का कंटेंट जो है आपको वर्ल्ड वाइड वेब में मिलेगा, अमेजन, गूगल, विकिपीडिया। डीप वेब की बात करें तो दुनिया के सारे देश 90% जो इंटरनेट का कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। नॉर्मल सर्च इंजन से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मेडिकल रिकॉर्ड, सब्सक्रिप्शन इन्फॉर्मेशन, ये सब जो है डीप वेब के अंदर होते हैं। उसी प्रकार से नीचे होता है डार्क वेब, जो कि आप देख सकते हैं 6% कंटेंट होता है। एनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है, स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं एक्सेस करने के लिए। इलीगल इन्फॉर्मेशन हो गई, साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई और इलीगल साइट्स हो गई, वो सभी यहीं पर ही देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरीके से हथियार तक जो है यहाँ पे बिकते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो आप लोग ज़्यादा सर्च मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो लीगल अपने जो साइबर एक्सपर्ट होते हैं वो ये भी देख रहे होते हैं कि कितने लोग जो है वो इस गलत डायरेक्शन में जाके वेब सर्च कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे या कहीं पर। ओके, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा घुस जाते हैं तो फिर घुसते चले जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से बहुत गलत काम होते हैं यहाँ पे, है ना। तो होपफुली कि आपको पता होगा इनके बारे में, नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। ये सिर्फ जो है आपके इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेज नंबर 18 की। दोस्तों पेज नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो राजू जी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वेटरन फिल्म हिस्टोरियन और क्रिकेट जर्नलिस्ट, बहुत बड़े क्रिकेट जर्नलिस्ट राजू दोस्तों भारत रत्न की क्या हो गई है, निधन हो गया है। और कई सारे अखबारों में इन्होंने काम किया, बचपन के अंदर स्पोर्ट्स स्टार। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोग स्पोर्ट्स स्टार का बीच में एक बड़ा पोस्टर आया करता था, वो निकाल के लेके जाते थे स्कूल से। ओके, आई वॉज वन ऑफ देम। स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन मेरे स्कूल के टाइम पे सबसे फेवरेट मैगजीन हुआ करती थी। तो स्पोर्ट्स स्टार के ऊपर उन्होंने बहुत साल तक काम किया है। ओके, द हिंदू की न्यूज आती है, मतलब स्पोर्ट्स स्टार जो आती है उसके सेंटर में क्या होता था कि एक काफ़ी बड़ा पोस्टर आया करता था और वो हर थर्सडे को स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर आया करते थे। तो जैसे कि सुबह 8 बजे लाइब्रेरी में आएगी तो क्लास के टाइम में कोई बहाना बना के 8:15 बजे तक लाइब्रेरी में पहुंच जाना है और जाके वहाँ पे धीरे से जो है अंदर से जो है वो पोस्टर जो है ना वो निकालना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि आपके फेवरेट जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका आपको देखने को मिलता था। मैंने राहुल द्रविड़ का, जॉर्डन का, शेन वॉन का, और भी कई सारे क्रिकेटर्स थे, कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनके सारे पोस्टर घर पे वहाँ से इकट्ठे करके अपने रूम में लगा रखे थे, समझ रहे हो। तो ओके, तो ऐसे काफ़ी बचपन में ऐसे करते हैं, मतलब। तो स्पोर्ट्स स्टार बंदों का फेवरेट मैगजीन होती है जब आप स्कूल के अंदर होते हो उस टाइम पे। तो काफ़ी बड़े कमेंटेटर रहे, रेडियो कमेंटेटर रहे हैं दोस्तों ये इंडियन क्रिकेट मैचेस के, जितने भी पूरी दुनिया में हुए हैं उसकी रेडियो कमेंट्री क्या करते थे। 1952 के अंदर इंडिया टूर जब इंग्लैंड का हुआ था तब ये काफ़ी छोटे थे, उस टाइम पे भी इन्होंने कवर किया था उसको। साथ में कई सारी किताबें लिखी है, राइवल्स इन द सन जो कि काफ़ी फेमस रही दोस्तों। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट द वाइटल फेस के बारे में, लता मंगेशकर के ऊपर, जर्नी डाउन मेलोडी लेन करके, ऐसे कई सारी किताबें भी है जो कि इन्होंने लिखी है। आशा भोसले के ऊपर भी लिखी है, डायरेक्ट द विक्ट्री स्टोरी करके फर्स्ट क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री भी जो है इन्होंने बनाई थी दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं जो कि है अपने नासा को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है नासा की जो एस्ट्रोनॉट है क्रिस्टीन कोच वो वापस रिटर्न कर गई है अर्थ के ऊपर और लॉन्गेस्ट टाइम तक जो है स्पेस में रहने वाली महिला है जो कि ये बन चुकी है। तो अगर आप इनके रिकॉर्ड देखोगे दोस्तों तो 11 मंथ का मिशन था क्रिस्टीन कोच का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये वहां पे गई हुई थी और 11 महीने के बाद में लौटी है। 328 डेज जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर इन्होंने बिताए हैं और सबसे ज़्यादा टाइम बिताने वाली महिला का जो रिकॉर्ड है वो अभी इन्हीं के नाम है। ठीक है गाइज, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे 328 डेज है जो कि इन्होंने टोटल जो है वापस स्पेंड किए हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। ये तो है लॉन्गेस्ट जो है ना ओवरऑल टाइम, अगर अपने पूरी लाइफ के अंदर ओवरऑल टाइम तक की बात करूं तो सबसे ज्यादा टाइम जो है 878 डेज जो है यहां पे गैनेडी करके दोस्तों रशिया के एस्ट्रोनॉट थे उन्होंने बिताए हैं, गैनेडी ने 878 डेज आज तक। लेकिन ये रिटायर्ड है। एक्टिव की बात करें दोस्तों तो एक्टिव यहाँ पे कौन है, अलेक्जेंडर केलेरी करके जो कि एक्टिव है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, गैनेडी करके नंबर वन के ऊपर है, सबसे ज्यादा डेज है जो कि इन्होंने बिताए हैं और ये 5 फ्लाइट में इन्होंने बिताए हैं। सर्गे है, उन्होंने 3 फ्लाइट में 747 बिताए हैं। ओके, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मैंने शायद सुबह वाली क्लास में सर्गे मेरे को ध्यान था तो शायद मैंने सर्गे बोल दिया था, तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना, सुबह वाली क्लास में मैंने सर्गे बोला था। ओके, लेकिन एक्चुअली में कौन है, गैनेडी है जो कि हाईएस्ट है। इसके अलावा सिंगल
एक बार की विजिट की बात करूं तो वैलेरी करके है दोस्तों रशिया के एस्ट्रोनॉट, उन्होंने 437 डेज है जो कि स्पेंड करे हैं, मतलब सिंगल फ्लाइट के अंदर 437 डेज। और आप यहां पर क्रिस्टिन कोच देख सकते हैं, महिलाओं के अंदर जो है नंबर वन के ऊपर कौन है, क्रिस्टिन कोच है 328, जो कि दुनिया में अभी पांचवें नंबर के ऊपर है, समझ गए। तो ये भी आपको ऊपर ऊपर के जो नाम है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इंडिया का कोई नहीं है क्या, धनंजय पूछ रहे हैं। अरे भाई इंडिया के राकेश शर्मा स्पेस में एक बार गए, उसके अलावा कोई गया ही नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी हम लोग 100 साल पीछे है अमेरिका और रशिया से स्पेस के अंदर बात करें तो। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की रैंकिंग आ गई है। भारत जो है वो दुनिया के 53 कंट्री में से 40वें नंबर के ऊपर है, ठीक है। पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। और हालांकि भारत ने काफी काम तो किया है आईपी के ऊपर भी और प्रॉपर्टी इसके ऊपर क्या बोलते हैं कॉपीराइट के ऊपर, भारत का स्कोर भी इंप्रूव हुआ है दोस्तों, लेकिन रैंकिंग जो है वो यहाँ पे वापस खराब हो गई क्योंकि ओवरऑल काम जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पिछले साल भारत की रैंकिंग 36 थी और इस बार जो है वो 40 है। यूएस, यूके, स्वीडन, फ्रांस, ये सब जो है दुनिया के टॉप के कंट्रीज है जो कि इसके अंदर है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो कि मोनिका और ऋत्विक ने 31वीं वीर सावरकर अखिल भारतीय समुद्र तरण स्पर्धा है जो कि जीती है। ओके, तो ये क्या होता है, ऑल इंडिया सी स्विमिंग होती है, यानी कि सी के अंदर आप क्या करते हो, स्विमिंग करते हो, ठीक है। तो उसको लेकर यहां पे बताया गया है और गुजरात की जो मोनिका है, ऋत्विक है, उन्होंने 31वीं वीर सावरकर अखिल भारतीय समुद्र तरण स्पर्धा है जिसको जीता है। गुजरात के कोस्ट के ऊपर इसको करवाई जाती है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, मतलब 16 नॉटिकल माइल तक, यानी कि नियर बाय 25 किलोमीटर के आसपास की होती है, आप देख सकते हो 16 नॉटिकल माइल डिस्टेंस है जो कि इन्होंने कवर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है रोहित राजपाल, जो कि भारत के डेविस कप के कप्तान के रूप में कार्य जारी रखेंगे। डेविस कप की बात करें तो 1900 के अंदर दोस्तों डेविस कप की शुरुआत करी गई थी, डेविस कप करके एक पर्सन थे उनके द्वारा करी गई थी। आज तक सबसे ज्यादा डेविस कप जीते हैं यूएसए ने 32 बार, और अभी फिलहाल करंटली अगर मैं बात करूं तो रिसेंट चैंपियन कौन है, स्पेन है जो कि रिसेंट का चैंपियन है। इसमें होता क्या है एक्चुअली में कि ग्रुप होते हैं, जैसे कि मान लो एक तो सबसे ऊपर होता है वर्ल्ड ग्रुप, जिसके अंदर अभी भारत जो है, भारत 13 बार पहुंच चुका है, इंडिया इसके अंदर 13 बार पहुंच चुका है। और क्या होता है कि आपको अपने अपने ग्रुप से टॉप करना पड़ता है, जैसे कि एक एशिया ग्रुप होगा, एशिया और ओशियाना ग्रुप होगा, एक आपके साउथ अमेरिकन ग्रुप होगा, एक नॉर्थ अमेरिकन ग्रुप होगा, एक यूरोप का ग्रुप होगा। तो यहाँ पे बहुत सारी टीमें होती है जो कि खेलती हैं, समझ गए, और अपने अपने ग्रुप में टॉप करके वर्ल्ड ग्रुप के अंदर एंट्री लेनी होती है। फिर यहाँ पे वर्ल्ड ग्रुप में जो जीतता है वो क्या बनता है, चैंपियन है जो कि बनता है। तो भारत के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वर्ल्ड ग्रुप में पहुंचना। तो भारत इस बार वर्ल्ड ग्रुप में पहुंच चुका है और भारतीय टीम जो है वो क्रोएशिया से जो है अपना पहला मैच है जो कि खेलने वाली है, समझ गए, ठीक है। 13 बार भारत पहुंच चुका है। जिसान अली है जो कि अभी कोच है, लेंडर पेस जो कि मतलब रावण के टाइम से टेनिस खेल रहे हैं, मतलब जोक्स अपार्ट, रावण के टाइम मतलब 20-25 साल से जो है टेनिस खेल रहे हैं, जबरदस्त एथलीट, जबरदस्त प्लेयर है, मतलब बहुत इंप्रेसिव है यार, 45 साल की उम्र के अंदर भी इंडिविजुअल गेम खेलना। भाई क्रिकेट फुटबॉल तो समझ में आता है एक बार के लिए क्योंकि टीम गेम है, लेकिन जब आप इंडिविजुअल स्पोर्ट्स खेलते हो ना तो उसके अंदर और स्टेमिना और एंडोरेंस चाहिए होता है, आपको पुश करने वाला कोई और नहीं होता है, आप ही होते हो अकेले को पुश करने वाले, तो ठीक है। वो भी यहाँ पे खेल रहे हैं क्योंकि उनको एक लिए वो सबसे बड़े दिग्गज है हमारे टेनिस के। चलिए आगे बात करते हैं, तो साई और हॉकी इंडिया ने लॉन्च किया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हॉकी इंडिया ने अनाउंसमेंट किया कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो कि देश में 7 जगह के ऊपर बनाएंगे और जूनियर सब जूनियर जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रेन करेंगे आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। और जैसे कि आपको मालूम है 2020 का ओलंपिक तो आ ही गया है और 2024 और 28 का जो ओलंपिक होगा उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2024 की बात करें तो कहाँ पे होगा, पेरिस के अंदर करवाया जाएगा, और 28 का कहाँ पे होगा, ये होगा आपके लॉस एंजलिस के अंदर, यूएसए के अंदर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो कि अपने वर्ल्ड बैंक की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है यहाँ पे पेनेलोपी, उन्होंने रेजिग्नेशन जो है वो अनाउंस है जो कि कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट है दोस्तों, ठीक है, पिने लॉपी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट को लेकर, बोल दिया है येल यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों, ओके, और
वहां पे ये क्या करेगी, वापस से पढ़ाना स्टार्ट करेगी। ओके, येल यूनिवर्सिटी की बात हो गई है तो एक और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है येल यूनिवर्सिटी के बारे में कर लेते हैं। अपनी जो एचआरडी मिनिस्टर जो पहले हुआ करते थे स्मृति ईरानी जी, उनको लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। मालूम है क्या येल यूनिवर्सिटी को, उनके डिग्री को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी। मतलब एचआरडी मंत्री बना दिया, उनके पास डिग्री नहीं थी। तो एक बार ऐसे पूछा गया तो वो बोली कि उन्होंने चलते में बोल दिया कि मेरी आपको पता नहीं है कि मैंने डिग्री जो है वो येल यूनिवर्सिटी से भी ली है। फिर येल यूनिवर्सिटी वालों से पूछा गया तो वो बोले कि भाई हमने कोई डिग्री विग्री नहीं दिया, हमने तो सर्टिफिकेट दिया था, यहाँ पे आई थी तो हमने अटेंडेंस का सर्टिफिकेट दिया था, कोई डिग्री विग्री नहीं दी है। तो स्मृति ईरानी अपने आप को डिग्री होल्डर है जो कि बता रही थी येल यूनिवर्सिटी से, तो जिसको लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी और देश के अंदर काफ़ी लफड़े हो गए थे कि किसको एचआरडी मिनिस्ट्री बना दिया। फिर उसके बाद में हटाया गया उनको और फिर उसके बाद में उनको जो है अभी डब्ल्यूसीडी मंत्रालय है जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी येल यूनिवर्सिटी से याद आ गया कि ऐसा भी हुआ था एक बार। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है प्रिंस चार्ल्स भारत के लिए बच्चों के संरक्षण कोष का खुलासा किया। ओके, तो यहाँ पे चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड है जो कि प्रिंस चार्ल्स ने क्या किया दोस्तों, इंडिया के लिए जो है वो बोला है। तो ब्रिटेन के जो प्रिंस है दोस्तों चार्ल्स, उन्होंने अनवील किया है एक नया चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड भारत के लिए एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट। ये चैरिटी है दोस्तों, फाउंडेशन है जो कि स्टार्ट किया गया था 2007 में साउथ एशिया के अंदर, जो बच्चे हैं जो कि पॉवर्टी में रहते हैं, स्कूल में जा नहीं पाते, उन सभी के लिए। तो पॉपुलर जो अमेरिकन सिंगर है कैटी पेरी, वो एम्बेसडर बनाई गई है इस फंड के दोस्तों, और ये बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर जो काम करेगा कि बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इंडियन फिलेंथ्रोपिस्ट है नताशा पूनावाला, आपने सुना होगा नाम, और उन्होंने भी मल्टी मिलियन पाउंड का जो पैकेज है वो उसको सपोर्ट करने के लिए बोला है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आज के दिन की बात करें दोस्तों, तो आज है 8 फरवरी, और 8 फरवरी की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पाकिस्तान ने अबॉलिश किया था दोस्तों, क्या यहाँ पे जागीरदारी सिस्टम अपने प्रोविंस के अंदर 1955 के अंदर। ओके, इसके अलावा 1971 के अंदर नैसडेक जो है दोस्तों वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट है जो कि लॉन्च किया गया था। नैसडेक क्या है, जैसे कि हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ऐसे ही क्या है न्यूयॉर्क के अंदर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, उसी प्रकार से वहां पर नैसडेक भी है। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नैसडेक ही है, ठीक है। अपना वाला जो है वो 10वां है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और 11वें नंबर पे दुनिया में है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की, और एक बच्चे ने यहाँ पे काफी फनी सा कमेंट है जो कि यहाँ पे किया है, तो मैं उसको भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। एक बच्चा बोलता है कि सर आई यस्टरडे आई वॉच्ड अ ओल्ड मूवी सत्या, सत्या एक काफी अच्छी मूवी थी 1998 के अंदर टाइम पे आई थी, इन विच द हीरो लुक्स लाइक यू सर सत्या डॉन, एंड आई थिंक यू आर द सत्या फ्रॉम द मूवी, नाउ टीचिंग टू स्टूडेंट एंड मेक देम नॉट टू बिकेम सत्या। तो मतलब सत्या जो दाढ़ी वाड़ी सत्या जो बड़ी हुई थी साउथ इंडियन एक्टर था, उससे कंपेयर करके बोल रहे हैं कि आप सत्या हो और आप क्या कर रहे हो, बच्चे को अभी बोल रहे हो नॉट टू बिकेम सत्या। मतलब जोक्स अपार्ट लेकिन काफी फनी है, मतलब यार सत्या मतलब कोई और ज्यादा कोई बेटर से करते तो ज्यादा सही रहता। मतलब वैसे बात कर रहा हूँ, एक्टर वो काफी अच्छे हैं, आई डोंट नो द नेम ऑफ द हीरो, लेकिन एक्टर वो काफी अच्छे हैं लेकिन वैसे। ओके, तो यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया तो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आगे बात करते हैं मोबाइल मनी को लेकर, तो यहाँ पे मोबाइल मनी एक बच्चे ने शेयर किया है कि इनका वाईफाई स्टडी से पढ़ के इन्होंने थैंक यू बोला है पूरी टीम को, इनका RRB JEE और FCI JEE जो है ना उसके अंदर दोनों में सिलेक्शन हो गया है। और उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, कहीं और से भी पढ़ाई नहीं करी है, और वाईफाई स्टडी से जो पढ़ के इन्होंने सारी क्लासेस रेगुलर करी और उसके बाद इनके 2 एग्जाम है जो कि यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने थैंक यू बोला है, और होपफुली दोस्तों कि आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करेंगे अच्छी और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब यार सत्या मतलब ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, जो कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन को लेकर है। तो भुवनेश 10 आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी के ऊपर कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, UPSC SSC बैंक रेलवे कोई से भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। और साथ में 10 फरवरी से जो है वो आपके लिए करंट अफेयर बैच है जो कि लॉन्च होने वाला है, ठीक है, CGL और CHSL के लिए, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। पहली क्लास से सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होने वाली है, 6 मंथ का करंट अफेयर है जो कि कराने वाला हूँ, ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, लेना कैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद ओपन करनी है, फिर आपको यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, गोल में आप कोई सा भी एग्जाम का गोल हो भुवनेश 10 यूज कर लीजिएगा, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने SSC सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पे प्लस में गए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में गए, फिर यहाँ पे 6 महीने 12 महीने का ऑप्शन आएगा, 12 महीने ले लेना, मात्र 500 रुपये पर मंथ होगा। VHU NESS भुवनेश 10 रेफर कोड डाल दोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है गाइज। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है करंट अफेयर्स बाय भुवनेश सर, PDF के लिए आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
20,000 के आसपास बच्चे हैं जो कि इसके अंदर आपको मिलेंगे। ये राजेंद्र सर का है, राजेंद्र 10 ज्योग्राफी का, यूजीसी नेट का बैच स्टार्ट हो चुका है, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए पहला सवाल आज का, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नेक्स्ट है, फरवरी 2020 में नई मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद पॉलिसी रेपो दर डैश पर है। साथ में अभी 9 बजे क्लास है आपके, करंट अफेयर के लिए सीजीएल सीएचएसएल के बच्चों के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो ज्वाइन कर लेना सुबह अभी 9 बजे, 1 घंटे बाद में, 1 घंटा क्या 15 मिनट बाद में यार, 15 मिनट ही बचे हैं अभी तो। निम्नलिखित में से किसने 31 वा वीर सावरकर अखिल भारतीय समुद्र तरण स्पर्धा है जो कि जीती है। डेविस कप के कप्तान किसे बनाए गए, मतलब डेविस कप जो है वो कौन से खेल से संबंधित है। साई और हॉकी इंडिया ने देश भर में कितने उच्च प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की घोषणा करी है। IRMIC और के पांचवें दौर में भारत और रूस के बीच कितने MOU पर हस्ताक्षर करे गए हैं। भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। कितने दिनों के बाद नासा की क्रिस्टीना कोच पृथ्वी पर लौटी है। हाल ही में भारत के लिए बच्चों के संरक्षण कोष का अनावरण किसने किया है। किस देश ने नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अभी 10 मिनट बाद में वापस से क्लास है, जो बच्चे CGL CHSL का एग्जाम दे रहे हैं वो सारे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।